बच्चे लोग कैसे हो? हंसोगे नहीं? कैसे हो? कैसा है? हंसेगा नहीं? धक्का मारो। हेलो बोलो। हेलो, चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट चाहिए? मेरे पास चॉकलेट नहीं है अभी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना यहाँ पे, वापस आऊंगा तो मैं दूंगा, ठीक है? स्माइल करो, हंसो। क्या चला रहे हो? साइकिल चला रहे हो? धक्का मार, धक्का मार। हाँ देखा। ये ब्लड ब्लड से क्यों कर लिया आपने? सब नहीं हो रही थी। मुझे आप बताओगे कि ईंट कैसे बनाते हैं? मुझे ये खड्डे में डालने का है। क्या करने का? खड्डे में अंदर डालेगा। हाँ डालता है फिर ये वाला। हाँ। ये मट्टी कौन सा? ये वाला मट्टी बोल रहे हो? ये मट्टी निकाल। अच्छा वो मट्टी। आप आगे आ सकते हो। ये मट्टी निकालने कहाँ डालेगा? खड्डे में डालने का। ओके, गीला हो जाएगा ये। क्या बोल रहे हो आप? कि वो मट्टी जो है निकालने का और पानी में डालने का। ओके, वो पानी में डालने कब तक डाल के रखने का उसको? एक घंटा। उसके बाद क्या करते हो जो मट्टी डाला पानी के अंदर? का उसको पीसते हो? कैसे पीसते हो आप? पैर से। तो कितने लोग पीसते हैं? अकेले पीसते हो आप लोग? और पीसने के बाद ऐसा मट्टी बन जाता है ये, ऐसा। और ऐसा मट्टी बनने के बाद क्या करते हो आप लोग? कैसे बनाते हो आप ये साचे? ये जो साचा है ये साचे के अंदर डालते हो आप? और साचे के अंदर डालने के बाद उसको कहाँ लेके जाते हो? ये जो ये सब ऐसा जैसा है। हाँ। ये ऐसा है। ओके, तो ये ऐसा इसको रख देते हो आप लोग? तो ऐसा रखने के बाद ये कब तक सूखता है? कब तक इसको रखते हो ऐसा आप लोग? एक दिन। हाँ। एक दिन में सूख जाता है। और सूखने के बाद क्या करते हो आप लोग? ऐसा खड़ा करने का। ऐसा? हाँ, ऐसा। ये ऐसा खड़ा करने का ये जैसा किया आप लोग ने। तो ये कितने दिन का ईटा हो गया? कल बनाया था मतलब आप लोग ने? नहीं। हाँ एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते से रखे हो इसको? हाँ। ओके ओके ओके। तो उसके बाद क्या ये ऐसा होगा? होने के बाद क्या करते हो सूखा होने के बाद? वो जैसा वो भट्टी धुआं निकल रहा है। हाँ। तो उसको वो भट्टी जो है वो भट्टी रखने के बाद वो कब तक रखे? ये भट्टी में कितने दिन तक रखते हो आप लोग? भट्टी में रखने के बाद 8 दिन लगते हो आप लोग बनाने के लिए? और 8 दिन के बाद रेडी होता है। लेकिन हमारे पास जो आता है तो कलर रेड रेड कलर होता है, तो रेड कलर बाद में करते हो आप लोग? ओके। तो ये एक ईटा बनाने में कितना लगता है आप लोग को? कितना पैसा आप लोग लेते हो ऐसे ही? कितना ऐसे ही पूछ रहा हूँ। 1 रुपया? एक ईटा का 10 रुपया लेते हो आप लोग? पूरा मेहनत करते हो इतना करने के बाद 10 रुपया मिलता है आप लोग को एक ईटा बनाने में? अच्छा है तब तो। ये कितने साल से कर रहे हो आप लोग? 15 साल। 15 साल से? मतलब बचपन से कर रहे हो? कितना एज है? एज कितना है? हाँ एज है। उम्र 25 साल। मतलब 15 साल से हो? मतलब 10 साल से आप ये काम कर रहे हो? 10 साल से। और रहते कहाँ? यहाँ ये गांव में ही रहते हो? इधर के रहते हो? अच्छा यार, हमको मिलता है रेडी रेडी। आज हमको मालूम पड़ा, मुझे आज मालूम पड़ा कि कैसे बनाते हो आप लोग। अच्छा लगा। तो आपकी पूरी फैमिली इसी में ही है? पूरे लोग? ये जगह भी पूरा आपका ही होगा? मतलब पूरा कारखाना जगह आपका ही है, ये बनाते हो आप लोग ईटा? अच्छा लगा यार।
ये मट्टी ऐसा है, ये मट्टी को ये लोग डालेंगे पानी में एक दिन, डालने के बाद इस पर पूरा ये लोग उसको सानते हैं, उसको सानेंगे पैरों से। अभी ये सब सान के इनका हुआ नहीं है, उसके बाद ऐसा ये बना के भर देंगे ये। उसके बाद ये बाहर निकालते हैं ऐसा, बाहर निकालने के बाद इसको ये थोड़ा देखा ईटा कैसा बनता है तो थोड़ा पूछ लिया, निकाल लिया, तो यही थोड़ा नॉलेज ले लिया। हाँ भट्टी का पूरा वीडियो निकाल लिया सर। तो मेन आप दोनों इधर का ऑनर हो, दोनों आप हो। ओके ओके ओके, ये पूरी जगह आपकी है, आप यहाँ पे बनाते, ये सब आपके आपके साथ काम करते मिलके। तो ये इसका सप्लाई कहाँ करते हो आप लोग? मुंबई में जाता है ये? मुंबई का दूसरा गाड़ी आके लेके जाता है। तो यहाँ पे एक पनवेल वगैरह नियर में जो लोकल जो है उसको। तो एक ईटा कितने का बनता है ऐसा पूछ सकता हूँ? सॉरी यहाँ ऐसा पूछना नहीं चाहिए मुझे। एक ईटा कितना में आप लोग सेल करते हो? ₹5 में एक बेचता है और वो बड़ा वाला ₹10। और मुझे कभी डायरेक्ट चाहिए यहाँ से तो ₹4 दे सकते हो। अच्छा, ये जगह पे किसी को देते नहीं हो, खाली आपकी गाड़ी जो है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है उन्हीं को आप लोग सप्लाई करते हो? ओके ओके ओके। तो एक ईटा आप लोग ₹5 बेचते हो, बड़ा ईटा ₹10 बेचते हो। कभी जैसे कस्टमर आएगा गरीब दुबला तो उसे कम भी करना पड़ता है। कम भी करता है मतलब, जो मजबूरी है लेकिन घर उनको बनाना जरूर, बिल्कुल गवर्नमेंट देता है। हाँ हाँ, तो उसको कभी कभी कम में रेट में देना पड़ता है। तो दे देते हो आप लोग? बेचारे का घर नहीं है, गरीब है, गवर्नमेंट ने ₹90,000 दिया था, ₹90,000 में घर नहीं बनता है, थोड़ा उसको हेल्प करना मांगता है। तो आप लोग ये सब करते हो आप लोग? आपका नाम क्या है? सॉरी मैं पूछा नहीं, क्या नाम है आपका? भार्गव पटेल। आप ये पाटिल? पाटिल, भार्गव पाटिल। ओके ओके, मेरा नाम संजय गिरी, मैं मुंबई से आया हूँ। तो ये सब जो चीज़ें मैं थोड़ा सा वीडियो बना के अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।